मेडिकोस, सो टुडे वी आर गोना रीड चैप्टर थैलेमस। तो इसमें से हम पढ़ने वाली है थैलेमी न्यूक्लियाई, इनके फंक्शंस और थैलेमिक सिंड्रोम। तो लेट्स स्टार्ट। द न्यूक्लियाई आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स: स्पेसिफिक रिले न्यूक्लियाई, नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, एसोसिएशन न्यूक्लियाई और एक है मोटा न्यूक्लियाई। तो इनमें हम पढ़ेंगे इनके पास इनपुट्स आती कहाँ से और फिर ये प्रोजेक्ट करते हैं किस तरफ, यानी एफेरेंट एंड देन फिर इफेरेंट। स्टार्ट विथ स्पेसिफिक रिले न्यूक्लियाई। कंपोज करता है वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स, लैटरल जेन्यूक्लिएट बॉडी, मीडियल जेन्यूक्लिएट बॉडी और फिर एंटीरियर न्यूक्लियस। वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स जो है रिसीव करता है डॉर्सल कॉलम पाथवे और एंटीरियो लैटरल सिस्टम एंड कॉर्टिकोथैलेमिक फाइबर्स से इनपुट्स और फिर ये प्रोजेक्ट करता है कॉर्टेक्स की सोमैटोसेंसरी एरिया में। अब आते हैं लैटरल जेन्यूक्लिएट बॉडी जो इनपुट्स रिसीव करता है ऑप्टिक ट्रैक्ट से और फिर प्रोजेक्ट कहाँ करता है हमारी विजुअल कॉर्टेक्स को। और फिर आते हैं मीडियल जेन्यूक्लिएट बॉडी, ये रिसीव करता है इनपुट ऑडिटरी पाथवे और फिर प्रोजेक्ट करता है हमारी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को। और फिर एंटीरियर न्यूक्लियस, ये रिसीव करता है हमारी इनपुट्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, किसके थ्रू? मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट से। और फिर ये इंफॉर्मेशन रिले करता है सिंगुलेट गायरस पे। अब आते हैं एसोसिएशन न्यूक्लियाई पे, तो ये कंसिस्ट करता है पुलवेनार डॉर्सल न्यूक्लियाई एंड लैटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो वी कैन रिमेंबर दिस एज PDLP। तो ये न्यूक्लियाई जो है रिसीव करते हैं इनपुट्स फ्रॉम सेंसरी कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक सिस्टम और ये प्रोजेक्ट करते हैं हमारी एसोसिएशन कॉर्टेक्स या सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को। और पुलवेनार प्रोजेक्ट्स टू द इन्फीरियर पराइटल लोब, तो पुलवेनार पी पराइटल पी। नाउ कमिंग टू नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, ये इंक्लूड करता है इंट्रालैमिनार, मिडलाइन, सेंट्रोमीडियन एंड रेटिकुलर न्यूक्लियाई। तो ये रिसीव करते हैं इनपुट्स फ्रॉम रेटिकुलर फॉर्मेशन, पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्ट्राइटम, हाइपोथैलेमस एंड अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई। और ये डिफ्यूज करते हैं वाइड एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। मोटा न्यूक्लियाई, ये इंक्लूड करते हैं लैटरल, वेंट्रल एंटीरियर एंड वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियाई। और फिर वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियस रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम सेरेबलम, किसके थ्रू? डेंटाटो रूब्रो थैलेमिक ट्रैक्ट। और फिर ये प्रोजेक्ट करता है मोटार कॉर्टेक्स एरिया 4 और 6, ठीक है। और फिर वेंट्रल एंटीरियर जो है रिसीव करता है बेसल गैंग्लियन से, मेनली ग्लोबस पैलिडिस, और फिर ये प्रोजेक्ट करता है प्रीमोटर कॉर्टेक्स को। अब आते हैं इनके फंक्शंस पे। मेनली थैलेमस जो है हमारा रिले स्टेशन है सोमैटिक सेंसेशन और स्पेशल सेंसेशंस के लिए, और स्पेशल सेंसेशंस में जो है ओल्फैक्शन एक थैलेमस का एक्सेप्शन है। और लैटरल और मीडियल जेन्यूक्लिएट बॉडीज जो है रिसीव करती हैं इनपुट्स फ्रॉम विजुअल और ऑडिटरी, और वेंटीरो पोस्टीरियो लैटरल न्यूक्लियस जो है रिसीव करती है हमारी टेस्ट एफेरेंस। अब आते हैं मोटार फंक्शंस पे। तो मोटार फंक्शंस जो है एक मोटार लूप फॉर्म होता है ब्रेन में जो कि ग्लोबस पैलिडस और बेसल गैंग्लिया जो प्रोजेक्ट करता है हमारी VPL न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस को, और फिर ये थैलेमस से मोटार कॉर्टेक्स की तरफ प्रोजेक्ट करता है, फिर ये विच प्रोजेक्ट्स बैक टू द बेसल गैंग्लिया। तो ये लूप रिस्पॉन्सिबल है हमारी पोस्टीरियल मूवमेंट्स के लिए। और थैलेमस ऑल्सो लिंक्स सेरेबेलम टू मोटार कॉर्टेक्स, किसके थ्रू? डेंटाटो रूब्रो थैलेमो कॉर्टिकल ट्रैक्ट। और फिर इस कनेक्शन से थैलेमस इन्फ्लुएंस करता है हमारी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट्स को। अब आते हैं मेमोरी एंड इमोशन। थैलेमस जो है इनपुट रिसीव करता है लिम्बिक सिस्टम से, किसके थ्रू? मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो हमने पहले पढ़ा है।
और इस कनेक्शन से थैलेमस जो है हमारी रीसेंट मेमोरी और इमोशन पे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। थैलेमस इट आल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन जनरेटिंग द पैटर्न ऑफ ब्रेन एक्टिविटी इन स्लीप वेक साइकिल। अब इन द लैंग्वेज एंड स्लीप स्पीच सॉरी तो डॉर्सल लैटरल न्यूक्लियस जो है पैराइटल लोब से रेसिप्रोकली कनेक्टेड होता है और ये कंसर्न होता है हमारी लैंग्वेज एंड स्पीच में एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड फंक्शंस। नेक्स्ट कमिंग टू द थैलेमिक सिंड्रोम, इट अकर्स ड्यू टू लिजन्स ऑफ वेंटिरो पोस्टीरियो लैटरल न्यू जो कि होता है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये रिजल्ट करता है हमारी टच एंड प्रेशर सेंसेशंस जो है इम्पेयर्ड हो जाती है यानी लॉस्ट हो जाती हैं और हमारी मसल टोन जो है डिक्रीज हो जाती है, हमारी मसल्स में वीकनेस आ जाती है एंड अटैक्सिया एंड वीपीएन न्यूक्लियस जो है हमारी इम्पल्सिस रिसीव करता है सेरेब्रम से और फिर ये रिले करता है मोटर कॉर्टेक्स एरिया 4 और 6 में और हमारी इमोशंस भी इफेक्टेड होती हैं। अदर डेफिसिट्स आर थैलेमस इज डैमेज्ड, नॉट ओनली थैलेमिक फंक्शंस आर लॉस्ट और दूसरे जो है कॉर्टिकल फंक्शंस भी इफेक्टेड होती हैं एज कॉर्टेक्स इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द थैलेमस। सो दैट्स ऑल गाइस, होप यू अंडरस्टूड इट। इफ यू लाइक इट कमेंट एंड शेयर।